उत्तर प्रदेश सरकार एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर पीड़ितों की जमीन को छुड़ाकर उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रही है। वहीं मास्टरमाइंड नटवर लाल पूर्व प्रधान ने एक दलित की 10 बीघा जमीन बेनामा फर्जी स्टैंप फर्जी मोहर व फर्जी परमिशन दर्शाकर तहसीलदार कर्मियों से जालसाजी कर अपने पिता के नाम करवा ली। जब नटवर लाल जमीन पर कब्जा करने के लिए गए तब पीड़ित को जानकारी हुई तो नटवर लाल दबंगों ने राइफल और बंदूक से उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। पीड़ित दलित ने आनंद फानन में अपनी जमीन छुड़वाने के लिए एसडीएम को जनसुनवाई के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पूरा मामला खुलकर आ गया कि जमीन का बेनामा तहसील रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं करवाया गया और ना ही कोई बेनामा किस दिन तारीख अंकित है जिससे बेनामा असली दर्शाया जा सके। दबंग पीड़ित की जमीन को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसके चलते पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जमीन को छुड़वाने और न्याय पाने के लिए शिकायत पत्र देकर गुहार लगाई। तब कहीं पीड़ित की जमीन को छुड़ाते हुए पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी राम प्रकाश यादव, हरिओम व मेहताब सिंह सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 2 मास्टरमाइंड नटवर लाल फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर महेश यादव व सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन तक थाने में रखकर उन्हें छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में अमन और चैन लाने की बात करते हुए नजर तो आती है, लेकिन चर्चा में रही यूपी पुलिस के कारनामों के चलते पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा। अब पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लेते, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी हकीकत से। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम शिड़का है। इस गांव के रहने वाले सुबेदार कठेरिया गांव के ही पूर्व प्रधान महेश चंद्र यादव आए दिन साथ रहते थे, जिनकी जमीन पर योजना बनाकर बेनामा करा लिया गया था। वही लेखपाल ने भी जानकारी दी है कि यह लोग झूठ दस्तावेज बना जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। चर्चा है कि तहसील करहल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेनामा करने एवं दाखिल खारिज कर 57 खापर चढ़ाने का एक सक्रिय गैंग है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। सुबेदार, क्या पूरा मामला है? हमारा पूरा मामला जो है साहब, हमारा कोई उनका लेन देन नहीं था, कोई बात नहीं थी। किससे? मैं इस प्रधान से, उनके में साथ रहे हमेशा और हमने साथ जानी नहीं। क्या हुआ आपका? खेत में जब रही है जोत लें गुंजा कर गलती से। कितना खेत था आपका? 11 बीघा खेत था साहब मेरे पास, और मैं धानों का हूँ। और जब हमने रोकने के जोतने गए थे तो जब, जब मतलब हम जब जो जोतने के लिए गए, जब हम साहब गए इनके मुकाबले पे, साहब इनके लड़का और भैया ले ले राइफल साहब सब धोल पड़े साहब, हम डर के मारे धान पास पूरी जगह छोड़ आए आप, पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। हाँ, थाने गए थे आप? थाने गए थे, हमारा बच्चा भी गया था। कार्रवाई हुई पुलिस की? हाँ, मेरे पास लड़ा है हमारी साहब कोई नहीं। तो ये फिर क्या आपको जानकारी मिली जब उन्होंने जोत लिया? जब इन्हें जोत लिया, जब अपने साहब फद्दल करवाई हमने, अब मेरे बच्चा पढ़ो लिखो तो मैंने लड़ा फद्दल करवाए, मेरे ना फद्दल के प्रकाश के ना लिख रही मैं इसके बाप के ना। अच्छा। बेनामा साहब इन्हें फर्जी करा लिया, हमने तब जानी साहब फर्जी बैनामा करा लिया। हाँ। किसके नाम बैनामा करा लिया तुम्हारी जमीन का? प्रकाश के नाम। तो ये उनके कौन है? पिताजी, मैं इसके पिताजी हैं। मेरा नाम तिलक सिंह है सर। तिलक सिंह, क्या पूरा मामला है? क्या जमीन पर कब्जा हुआ है? क्या सर? महेश यादव, राम प्रकाश यादव, सुरेश यादव, नीटू यादव, इन लोगों ने अभी तक कब्जा किया सर हमारी जवानी पर। 11 बीघा जमीन थी सर, इनने फर्जी बैनामा कराया था हमारी ज़मीन पर, हमें सर पता नहीं चला। जितने डॉक्यूमेंट्स लगे उसमें सारे फर्जी लगे हैं, स्टाम्प से लगा करके कोई भी पेपर इनका और नीचे नहीं निकला जी। हमें बाद में पता चला सर कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया था। हमने फसल काट ली गेहूँ की, ये लोग खेत पे पहुँचे, ट्रैक्टर चलाया इन्होंने, हमने वहाँ पहुँचे विरोध किया तो ये सर हमको माँ बहन गालियाँ देने लगे, मारपीट की, हम वहाँ से भाग गए सर। फिर उसके बाद हमने तहसील में आके पता किया कि तुम्हारा बैनामा हो चुका है,
कैसी भी जो वो क्या राइफल राइफल लेकर जी सर महेश यादव राइफल थी खेत पे सर वहाँ पर लोग पे और लोग भी थे फिर उसके बाद सी साहब से हमने बोला आकर के यहाँ पे तो उन्होंने विवेचना की थी सब कोई भी इनके सब टोटल फर्जी कागज निकले थे। अच्छा तहसील गए तहसीलदार के जी सब तहसीलदार के पास गए वहाँ पे हम दिखवाया जा करके बिना फर्जी निकला है मेरा रजिस्ट्रार ऑफिस गए सर इसके बिना हुआ निकला नहीं मेरे नाम से जमीन निकली पिताजी के नाम से सर रजिस्ट्रार ने क्या बोला उन्होंने बोला बिना फर्जी मेरा कोई बिना नहीं है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने एक नेकपाल ने लिख के दिया हुआ है जी सर नेकपाल ने लिख के दिया हमें नहीं दिया था उन्होंने कहा था सरकारी आदमी देंगे हम क्या लिखा उन्होंने ये लिखा था कि महेश यादव न्यूटू यादव सुरेश यादव हमारे पास आई धमकी दी और हम पे लिखवा रहे थे बेनामा कर दो ये हमारा क्या नाम है नेकपाल का नेकपाल का नाम था विनय विनय प्रताप सिंह। विनय के बाद आप जो थे थाने में FIR कराई जी सर हमने FIR कराई तहसीलदार नाम से बोला था कि आप पहुँची थाने मुकदमा लगाई उन लोगों के खिलाफ तो हम वहाँ पहुँचे FIR लिखवाई सर हमने कोई कार्रवाई हुई अब तक पुलिस की तरफ सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी 3 महीना हो गए सर हमको मुकदमा लिखा है उसके बाद सब वो रामप्रकाश यादव जेल चले गए थे उनके 2-3 लड़के सर बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं महेश यादव पकड़ गए थे परसों सर उन लोगों ने कल छोड़ दिया उनको किसने पकड़ा था ऐसे साहब कर रहा उसके बाद वो छोड़ दिया जी सर छोड़ दिए गए वो लोग कल 3-4 गाड़ी लेके हमारे गांव गए थे बहुत से लोग थे उनके साथ में सर वहाँ पहुँचने के बाद में इन लोगों ने पैसे लिए उनसे तो उसको छोड़ दिया सर हम गरीब आदमी पैसे मेरे पास थे नहीं सर आज दिन धमकियाँ दे रहे हैं महेश यादव हमको कल भी सर एक मामला है करल क्षेत्र का ग्राम सभा सड़ जी यहाँ पर जो है ना एक फर्जीवाड़ा के तहत जो है ना एक बैनामा करा लिया पूरा मामला क्या है और किसका ये मामला है ये एक्चुअल में एक बैनामा हुआ है SC की जमीन का उसमें ये फर्जी परमिशन सब 2009 की बनाई गई है जबकि कोई इस तरीके की परमिशन 2009 में ग्रांट नहीं हुई है और उसके बाद जो है आज की स्थिति ये है कि फिर 2009 से 2020 तक कोई किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें जी। और 2020 में एक फर्जी बैनामा तैयार किया गया 2009 का जी जिस बैनामे में कोई भी व्यक्ति जो है वो जो जिल्द नंबर वही नंबर और जो सब पड़ा हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ से जो रिपोर्ट मिली हुई है उसमें उन्होंने कहा कि इस जिल्द नंबर वही नंबर में कोई बैनामा ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ इस नाम से न कोई बैनामा हुआ है और न ही कोई परमिशन हुई है और उसके बाद एक फर्जी बैनामा तैयार करके 100 मोटो और एक दाखिल खारिज करा लिया गया क्या दाखिल खारिज की कोई परमिशन वगैरह भी दी गई दाखिल खारिज की एक्चुअल में जो दाखिल खारिज में जो बैनामा दाखिल हुआ है वो बैनामा ही फर्जी है और अधिकारियों को गुमराह करके दाखिल खारिज SC की जमीन को विदाउट परमिशन अपने नाम जो है वो उन्होंने दर्ज कर लिया विदाउट परमिशन विदाउट बैनामा विदाउट पट्टा कुछ भी नहीं है और उसके बाद जब दर्ज करा लिया गया उसके बाद उस जमीन पर कब्जा किया गया जब कब्जा किया गया तो वो उस व्यक्ति को मारा पीटा गया वो जानकारी हुई और उसने आके जब मुआयना कराया तो पता चला कि इसमें जो है लेखपाल तहसीलदार सबने मिलकर फर्जीफिकेशन कर दिया और उसके नाम दर्ज कर दिए जब उसने शिकायत दर्ज की और FIR कराया तो 100 मोटो बिना किसी उसके उसके नाम फिर जमीन तहसीलदार ने और उन्होंने दर्ज करा दी जी और वो जो हेराफेरी हुई है वो एक्चुअल में व्यक्ति तो है राम प्रकाश जिसके नाम से हुई है जी परंतु वो व्यक्ति जो है बुजुर्ग है 82 साल का उसके जो लड़के हैं जिनको ये जमीन जानी थी प्रधान रहा है 10 वर्ष और हार्ट कर्नल पर्सनैलिटी है पूर्व प्रधान भी है जी 10 वर्ष पूर्व प्रधान रहा है और हार्ट कर्नल पर्सनैलिटी है सब कुछ उसका इसी तरीके का फर्जीवाड़ा से ही बनाया हुआ है कई 420 402 407 कई मुकदमे उसके पेंडिंग है जी तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें एक्चुअल मुलजिम जो है वो महेश्वर एक लेखपाल द्वारा एक आज्ञा दी गई है इसमें कि मेरे द्वारा जब यह बैनामा लेकर ये लोग मेरे पास आए जिसमें महेश रामप्रकाश जो है मैन एक्यूज उसका लड़का महेश जी। और उसके बाद सुरेश और एक लड़का महेश का है सनी जी ये सब लेके आए तो इनके आने के बाद मैंने इनसे पूछा कि मैं जब तक मुआयना नहीं कर लूँगा बैनामे का और उसका तब तक मैं इस पर रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा दाखिल खारिज पर तो उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके बाद लेखपाल भी ये कहता है कि मेरी फर्जी रिपोर्ट लगा ली गई इन तीनों द्वारा तो ये धोखाधड़ी बड़ी धोखाधड़ी है और इस तरीके से सर ये कितने बीघे का ये इन्होंने बैनामा करवाया था और इसमें अब कार्रवाई क्या हो रही है ये करीब 11 बीघा जमीन थी और इसमें 2 एक्यूज जो है 3 एक्यूज राम प्रकाश और 2 गवाह जो बनाए गए थे इस पर हरिओम और मेहता वो जेल में है और ये तीनों मुलजिम जो है वो फरार चल रहे हैं लेकिन ये पूरी धोखाधड़ी इन्हीं तीनों को द्वारा की गई लेकिन जानकारी मिली है कि अभी पुलिस ने जो है कल बीते समय में गिरफ्तार कर लिया है इन दोनों अभियुक्तों को नहीं तो वो मैन एक्यूज्ड है उनको जेल जाना चाहिए
और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैन एक्यूज्ड है, राम प्रकाश तो केवल जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, वो 82 साल का बुजुर्ग है। मैन एक्यूज्ड तो यही तीनों, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्री में है तो इसलिए राम प्रकाश मैन एक्यूज्ड है। मेरा नाम विनय प्रताप यादव। सर किस विभाग में हैं आप? अभी वर्तमान में मैं राजस्व लेखपाल हूँ और करहल कस्बा में तैनात हूँ। जी अच्छा सर, एक मामला आया है सूबेदार जी का, जो जाके कठेरिया हैं उनकी ज़मीन पर जो है ना मैसन वगैरह वगैरह लोगों ने मतलब बहनामा करा लिया था, ये पूरा मामला क्या सर? ऐसा था, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में अक्टूबर 2019 में आया था। एक थाना दिवस के एप्लीकेशन में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी ज़मीन पे जो है राम प्रकाश पुत्र द्वारका प्रसाद हैं, महेश चंद्र व रमेश चंद्र पुत्रगण द्वारका, ये राम प्रकाश और नीटू उर्फ नितेश पुत्र राम प्रकाश, इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा पिछले 10 साल से है। क्योंकि थाना दिवस में ही SDM साहब बैठे थे, CEO साहब बैठे थे, वहीं पे इन्होंने एप्लीकेशन दी। SDM साहब के द्वारा तत्काल जो पूर्व प्रधान है श्री महेश चंद्र यादव, उनको फ़ोन किया गया कि अगर आपके पास उस ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है तो ज़मीन को तत्काल छोड़ दीजिए। उसी दिन इस ज़मीन को सूबेदार जो है इन्होंने जाकर के उस ज़मीन को जोत ली। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास बैनामा है, लेकिन वो बैनामा आज तक जब तक हम रहे वहाँ क्षेत्र पर, हमने जनवरी में चूंकि चार्ज छोड़ दिया उस क्षेत्र में, उन्होंने कभी मुझे बैनामा नहीं दिखाया। एकाएक अभी मतलब जब अप्रैल के लॉकडाउन में संज्ञान में आया कि मतलब इनका दाखिल खारिज हो गया, तो हमने उसकी जांच करी थी। इनके द्वारा मतलब हर काम फर्जी किया गया, फर्जी हस्तांतरण रिपोर्ट मेरी लगा दी गई, क्योंकि दायरा उसमें जो है दिसंबर 2019 का है, और दायरा उसमें जो मेरी हस्तांतरण रिपोर्ट है उसमें जो डेट डली हुई है वो अगस्त 2019 की है, मतलब दायरा के 5 महीने पहले की उन्होंने हस्तांतरण रिपोर्ट में डेट डली हुई है। और ये चूंकि हम इस वहाँ क्षेत्र पे थे तो हमें इस प्रकरण का पूरा संज्ञान था, हमने उस समय रजिस्ट्री ऑफिस में भी इनके द्वारा जब बैनामा बताया तो रजिस्ट्री ऑफिस में भी दिखाया गया था, किसी प्रकार का कोई बैनामा नहीं था। तो मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट लगाना इसमें उचित नहीं था, ना मेरे किसी प्रकार के संज्ञान तो में। क्या इसमें ये आपने रिपोर्ट लगाई है? बिल्कुल नहीं लगाई है। ये रिपोर्ट जो दर्शाई गई थी बैनामा के द्वारा तो क्या वो झूठी है? बिल्कुल झूठी है, फर्जी तरीके से मात्र मेरे उनके द्वारा फर्जी साइन करे गए हैं, ऊपर की उसमें जो भी रिपोर्ट भरी गई है मेरे किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है, और ना ही वो मतलब कुछ भी उसमें मेरे राइटिंग में नहीं भरा। तो सर ये आपके यहाँ जो ना ये बैनामा लेकर कौन लोग आए थे, क्या नाम था उनका जो आपसे ये रिपोर्ट लगवा रहे थे? ये यही लोग आए थे, महेश थे और महेश वगैरह ये लोग थे, भाई थे इनके, ये लोग आए थे किसी मुंशी के माध्यम से आए थे, क्योंकि हमने क्योंकि प्रकरण मेरे पूर्ण रूप से संज्ञान में था तो मुझे किसी प्रकार तो महेश और सुरेश वगैरह जी जो लोग थे जी, तीन लोग आए थे। हाँ तीन लोग आए थे। सर क्या नाम था उनका? महेश, रमेश और नीटोर नितेश नाम का शायद जी, ये लोग थे। क्या सुरेश भी साथ में थे? सुरेश भी साथ में थे। हाँ सुरेश भी साथ में थे, ये लोग थे। प्रकरण पूर्ण रूप से मेरे संज्ञान में था, मतलब सब फर्जीवाड़ा किया है। हाँ, ये सर ये कैसे व्यक्ति हैं आप? तो वहाँ कई साल रहे हैं, लगभग 1.5 साल में वहाँ क्षेत्र पोस्टिंग रहा, तो उनके द्वारा सिर्फ मतलब खुराफातें चलती थी, केवल खुराफाती लोग हैं। हाँ। किसी टाइप के कामों में इन्वॉल्व रहते थे क्या? वो अपना हालांकि जब भी उनकी एप्लीकेशन आती थी कोई ना कोई खुराफात पे ही रहती थी। हाँ, अब खुद उन्हें बुलाया कि मौके पे आ जाइए तो मौके पे उनका आना कभी नहीं हुआ, किसी प्रकरण में कभी सहयोग नहीं रहा। ठीक है। 506, 504, 420, 467 इतनी धारा इन पे थी, और मुझे ये सर नाम है महेश यादव, सुरेश यादव, नीटू यादव, महेश यादव, सुरेश यादव जी पकड़े परसों, तो सब लोगों को निकाल दिया गया, देखिए सब उनका नाम है उनका, तो सब लोग बाहर घूम रहे हैं, निकाल दिया उन लोगों को, जबकि साहब इतनी धाराएं लगी हुई हैं फिर भी निकाल दिया, तो सब हरियाणा एक्ट लगी हुई है उसका, उनका बात पुलिस ने जी सर भारत से उन लोगों ने छोड़ दिया उसे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।